तो सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहेंगे हम अपने सूरज भाई का। अब मिठुरी का ये दाव बहुत ही स्ट्रांग है। ये रही वो नदी, अभी पानी ऊपर, अभी तो पानी कम हो गया, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो पानी ज्यादा था। हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। अभी हम मुनीश भाई के साथ, मुनीश भाई के घर पे पहुंचे, मतलब कि मैं अपनी बुआ के घर में पहुंचा नहीं, पहुंचने वाले हैं अभी, आधे रास्ते में गाड़ियां बैठे हुए हैं, बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब कि अभी पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले बारिश ने अपने दर्शन दे दिया, मतलब कि जोरों से बारिश पड़ गई भाई। मतलब कि ये कहने का मतलब मेरा ये है कि बारिश ने हमारा स्वागत किया है बहुत ही जोरों शोरों से। अभी बाहर बारिश हो रही है, हमें नीचे जाना है। कितना जाना नीचे है? 500 मीटर जाना, 500 कम हो गया यार, 500 तो ज़्यादा होता है, 300-400 मीटर नीचे जाना है। पर अब बारिश इतनी तेज है कि बिना छाते या रेनकोट के तो जा ही नहीं सकते। तो अभी हिमाचल पहुंचे तो अपने मनीष भाई की यहाँ पे अच्छी खासी चलती है, जाना है। भाई ने छाते मंगवा लिए हैं, रेनकोट मंगवाए हैं, भाई की गैंग है यहाँ पे। भाई ने सीधा फोन किया है, अबे रेनकोट लेके आ जा, उसे कहा जी भाई जी लेके आ रहा हूँ मैं। तो भाई लेके आ रहे हैं रेनकोट, अभी हम रेनकोट पॉइंट के जाएंगे। बाकी आपको इस गांव का नाम है चोर के दर्शन भी करवाएंगे। यहाँ पे एक नहीं दो खड्डे हैं, एक बड़ी खड्ड है, एक छोटी खड्ड है, जहाँ जिसमें मनीष भाई का बचपन निकला है नहा के, मतलब उन्हीं खड्डों में नहाया है। घर पे बाथरूम में नहाते, घर पे बिल्कुल भी नहाते थे, जब नहाने का टाइम होता था तो खड़ के पास पहुँच जाते थे। अब खड़ के दर्शन भी करवाएंगे। बाकी सैड न्यूज ये है कि अभी हम मनीष भाई को दवाइयाँ दिलवा के ले आए हैं, ये बीमार हो गए थे भाई। हम चंडीगढ़ से, मतलब क्या चंडीगढ़ से क्या रात को बीमार हो गए थे ना, मतलब हम दोनों साथ ही सो रखे थे एक ही कमरे में। रात को मैं सो रखा था, भाई उठ के बाहर चला गया, इसी लगा रखा था, और मैं रात को डर गया, मैं मनीष भाई कहाँ चले गए यार। फिर मैं रात को भाई को फोन किया, भाई ने फोन भी नहीं उठाया। फिर मैंने देखा कंबल भी नहीं है, मतलब मुझे, मतलब फिर मैंने सोचा कि मैं कब मनीष भाई पक्का दूसरे कमरे में चले गए होंगे। तो मनीष भाई दूसरे कमरे में चले गए थे, फिर मैंने बाहर जाके देखा सच्ची में दूसरे कमरे में थे, फिर थोड़ी शांति आई। बाकी अभी भाई पहुंचने वाला है, तो भाई का पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रहा। बाकी फोन आ गया, बाद में मिलते हैं। आ जा अंदर आ जाए। क्या बात है, अपने खट्टू भाई आने के लगा के, क्या बात है, और बढ़िया और ठीक ठाक एनक लगाई है और बाकी बात ये पर कजार लगी है ना नाल नहीं चढ़ थले ये बड़ा भी छोटे चप्पल नहीं है। चल ठीक है, चल फिर। तो सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहेंगे हम अपने सूरज भाई का, जो कि हमारे लिए रेनकोट लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही है, जोरों शोरों से बारिश हो रही है। तो भाई ने हिम्मत करी है इतनी ज़्यादा बारिश में हमारे लिए यहाँ पे रेनकोट लाने की। बाकी अभी हम जा रहे हैं नीचे, देखते हैं, रास्ते में एक छोटी सी खड्ड भी है, वो भी हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। बाकी भाई भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, और अपना हीरो लग रहा पूरा भाई, और मुझे भी लगाना पड़ा चश्मा। कारण इसका ये है कि यहाँ पे सबको क्या हो रखा है, पता ना, आइस फ्लू हो रखा है सबको, और भाई बचना है, इसलिए मैंने लगाई, कोई फैशन के तौर पे नहीं लगाई। और भाई भी घर जाके भाई भी लगा लेंगे। बाकी चलें भाई, चलो चलते हैं, फिर नीचे जाके मिलते हैं। फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं मनीष भाई के, और अपना मिट्टू भाई की आंखें देखो क्या हो रखा है, आई मतलब मुझे भी बच के रहना पड़ेगा, बाकी मनीष भाई को भी बच के रहना पड़ेगा। वैसे मनीष भाई के सेफर तो वही रखा है, तो वही संभल के चलना पड़ेगा। बाकी कॉफी चल रहा है बाहर, बुआ की सहेलियाँ आ रखी हैं, गपशप चल रही है, और अपना भी प्लान बन रहा है खड़े में जाने का। कितना दूर है यहाँ से खड़, खट्टू भाई? 5 मिनट का ये तो है पास में। बाकी अभी थोड़ा भीग गया है, रेनकोट पहना था, फिर भी मनीष भाई के कोई पुराने कपड़े पहन लूँगा, उसके बाद चलेंगे हम खड्डे में, और ग्राउंड भी है वहाँ भी जाएंगे। तो आप पहन लो, मुझे भी पहननी पड़ेगी, बाकी मिलते हैं ग्राउंड में जाके। शमायरा खेल रही है यहाँ पे, हमारे पास नहीं आ रही, पॉलिथिन से खेल रही है, अभी मनीष पीछे जा रहा है इसके, उठ गई भागी 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 भाई, लो जी। बुआ को बुला के ले आइए, कह रही है मेरी चॉकलेट दो, इन लोगों से दे नहीं रहे मुझे, ये देखो मेरी है।
फाइनली घर से ग्राउंड की तरफ निकल चुके हैं, जिस ग्राउंड की हम बात कर रहे थे। बहुत ही ये भाई और बोल रहे हैं कि बहुत मज़ा आता है ग्राउंड में। वैसे बचपन में मैं भी जाता रहा उस ग्राउंड में, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता था। मैं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, 6-7 साल बाद। बाकी देखते हैं ग्राउंड का नज़ारा क्या है। ग्राउंड में ग्राउंड की खास बात यह है कि बगल में ग्राउंड है और उसके साथ नदी है, तो नदी भी बहुत खूबसूरत है। अभी तो अपना क्या कहते हो पूरा जोरों शोरों में पानी होगा नदी में, क्योंकि अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, तो पानी उसमें ठीक ठाक होगा अभी। बाकी भाई और आगे जा रहे हैं अपने, थोड़ा सा वो जो दिख रहे हैं भाई और जा रहे हैं। बाकी मिलते हैं ग्राउंड में जाके। बाकी हरा भरा है पूरा, घास ही घास है आसपास। तो जिस ग्राउंड की हम बात कर रहे थे उस ग्राउंड में पहुंच चुके हैं भाई। ये देखो भाई हमारे प्लेयर रेडी हो चुके हैं। प्लेयर पूरे नहीं है पर ये खेल लेंगे भाई, काम चला लेंगे। अभी इनका मैच शुरू हो चुका है। देख कितने कितने बंदे टीम में है, कल्ला बंदा अकेला अकेला है। कौन सा ज़्यादा रन बनाता है और कौन ज़्यादा विकेट लेता है, इसमें ये कंपटीशन होगा। बाकी ये ग्राउंड है भाई, देख लो ग्राउंड, मतलब हमारे एरिया में यही एक ग्राउंड है, मतलब इस एरिया में। वैसे और मतलब और बड़े बड़े भी हैं, पर जो ये वाला एरिया है इसमें यही ग्राउंड है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैच होते हैं भाई, बताना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े मतलब कि अपने एरिया के बहुत बड़े बड़े मैच होते हैं। क्या होती है, ट्रॉफी होती है, ट्रॉफियाँ। और बाकी ये प्लेयर है चोड़ के, ये सारी चोड़ की टीम है भाई। और बाकी नज़ारा तो आप देख ही सकते हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये सारा लैंडस्लाइड हो रखा है पूरा ही। और बाकी ये नदी है, अभी नदी का जो पानी है अभी ख़राब पानी है पूरा ही, क्योंकि ऊपर बारिश हुई है तो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, तो इसलिए पानी पूरा ही क्या कहते हैं ब्राउन ब्राउन सा आ रहा है, मतलब ख़राब है सारा, मिट्टी वाला पानी आ रहा है। अभी वहाँ भी जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले यहाँ पे देख लेंगे कि मैच का क्या बनता है, कौन सी टीम जीतती है, कौन सा बंदा जीतता है। और मिट्ठू भाई बढ़िया, शम्मू ने बॉल कराई है और खट्टू कर रहा है बैटिंग। बाकी काका भाई फील्डिंग में, और ये अपना डिजू भाई भी फील्डिंग में, और पीछे कौन है वो गुगलू खड़ा है पिच में, चौके वाली छक्के वाली पिच उसमें खड़ा है बाउंड्री में। बाकी ये ऑडियंस के लिए बैठने के लिए बना रखा है। तो ये रहा हमारा चोड़ का ग्राउंड, और इस ग्राउंड की खास बात ये भी है कि यहाँ पे इस ग्राउंड ने बहुत सारे लड़कों को रोजगार का मौका दिया है। रोजगार का मौका ऐसे दिया है कि यहाँ पे जो नए नए लड़के हैं, जैसे ये हैं अभी छोटी उम्र के लड़के हैं, यहाँ पे आर्मी के ग्राउंड की तैयारी करते हैं, रनिंग की तैयारी करते हैं, बॉल आ गया, रनिंग की तैयारी करते हैं। और काफ़ी सारे लड़के यहाँ से निकले हैं, मतलब जो कि भर्ती हुए हैं, देश की सेवा कर रहे हैं अभी। तो इस ग्राउंड की बहुत सारी खासियत मतलब खास बात यही है कि इसने ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्लेयर निकले हैं कोई इंडिया टीम में क्रिकेट में, पर देश की सेवा कर रहे हैं लड़के, वो इसी ग्राउंड से निकले हैं। काफ़ी सारे लड़के यहीं पर तैयारियाँ की हैं उन्होंने और भर्ती हुए हैं भाई। क्रिकेट का मैच होने के बाद अभी यहाँ पे रेसलिंग शुरू होने जा रही है, दंगल शुरू होगा। और हमारे जो पहलवान है, जो क्रिकेटर थे वही पहलवान है भाई, रेडी हो चुके सारे के सारे। अभी मैं इंट्रो करवाता हूँ सबसे पहले हम आ रहे हैं अपने काके भाई के पास। हाँ जी काका भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। तो रेडी हो लड़ने के लिए? अरे हाँ बोल लड़ना नहीं यार, खाली जानी रही। बाकी ये सारे पहलवान है, गुगलू पहलवान, मिट्ठू पहलवान, अपना खट्टू पहलवान, डिजू पहलवान, और ये हमारा सबसे माली के लिए मतलब कि बड़ी बड़े अवार्ड के लिए लड़ेगा शम्मू पहलवान। सबसे पहले मैच होने जा रहा है खट्टू पहलवान और डिजू पहलवान का, और अभी पूरे बराबरी के है ना, वेट बराबर ही है ना। और बाकी शुरू करते हैं भाई मैच को, शुरू करो रेफरी साहब, शुरू करो।
लो जी कुश्ती शुरू होगी। अभी थोड़ा ठंडे तरीके से लड़ रहे हैं, पर अभी अभी गर्म हो गया अपना ये खट्टू था, खट्टू ने डिजू को नीचे लड़ा रहे हो। खड़ी करी, खड़ी करी, खड़ी तो अभी रेफरी साहब बता रहे कि मैच फाइनल हो चुका है, हार जीत हो चुकी है। ये पहलवान हमारे जीत चुके हैं, पहलवान है, एज में बहुत छोटे हैं। आपका नाम खट्टू, खट्टू जीत चुके हैं और ये सीख चुके हैं, हारे नहीं है सीख चुके हैं। हारना नहीं कहते, जहाँ लोग जहाँ इंसान हारता है वहाँ सीख मिलती है, तो आप सीखे हो कुछ टेक्निक इनसे, ठीक है। हारा नहीं है तो भी, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पहलवान कौन है? मिट्टू और गुगलू के बीच, मतलब जो जीता हुआ पहलवान वो लड़ेगा। और अभी अच्छा मिट्ठू, अच्छा मतलब मैं खट्टू समझ बैठा। तो अभी हमारे नेक्स्ट पहलवान आ रहे हैं मिट्ठू और गुगलू। और मैं आपको बताना चाहूं कि गुगलू जी अपने ग्रिप के लिए बहुत फेमस है, आप देखते हैं। अच्छा गुगलू का ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगा ना? तो ये भाई साहब का ग्रिप स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, और बाकी यहाँ एक्सपीरियंस है, यहाँ एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। लगी तो नहीं गुगू, लगी तो नहीं। बाकी विजेता घोषित हो चुके हैं मिस्टर मिट्ठू सिंह, और गुगलू का भी बहुत जोरदार प्रदर्शन रहा भाई। अरे हाथ मिलाओ भाई, बेच क्यों करवा रहे हो? पहलवान दे मतलब बहुत अच्छा लड़े। बाकी विनर घोषित हो चुके हैं मिस्टर मिट्टू सिंह, और नेक्स्ट पहलवान जो मुकाबला है भाई भाई के बीच, तो भाई भाई बने जानी दुश्मन, भाइयों के बीच मुकाबला होने जा रहा है अभी। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, पर थोड़ा सा रेस्ट दे दो मेरे हिसाब से यार, ये तो छोटा भाई यार आ देगा, फिर बेइज्जती हो जाएगी बेइज्जती हो जाएगी। बाकी अब जो इन दोनों में जीतेगा उसका मुकाबला होगा रेफरी के साथ। तो चलो शुरू करो, फिर शुरू करो। तो भाई भाई बने जानी दुश्मन थंबनेल बनेगा। जो ब्लैक में छोटा भाई है, ये कौन सा है? स्काई ब्लू में बड़ा भाई है। चकड़े पे चकड़े, ओए शानदार चलते आते हैं। आराम करो। तो बड़ा भाई छोटे भाई पे हावी हो चुका है, पर छोटा भाई हार मानने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। लो भाई दो पे चल रहे हैं दोनों तरफ से। लो जी आराम से आराम से आराम से, बस 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 बस। लो जी सेकंड मैच भी हमारे मिट्ठू सिंह विनर बने, और छोटा भाई खट्टू हार चुका है। पर मैंने पहले ही कहा है, मैंने मेरे मुंह से गलती से निकल गया, हार चुका है सीख चुका है कुछ। जो भी यहाँ पे हारा है कुछ ना कुछ सीखा है, टेक्निक सीखे हैं और थोड़ी सी स्ट्रेंथ, बाकी स्टैमिना बनाया। बाकी अभी जो मैच होने जा रहा है फाइनल मैच, रेफरी मतलब कि ये डर चुके हैं भाई ये डर चुके हैं, मना कर रहे हैं लड़ने के लिए। तो फाइनल मैच दिया जाता है मिस्टर मिट्ठू को। मिट्ठू जी विजेता घोषित हुए हैं,
और आगे से मिट्टू जी आप इनको ट्रेंड करोगे, ठीक है, आपका बनता है फ़र्ज़। अभी ये जो मुकाबला इसलिए रखा गया था कि कोच किसको घोषित करना है, तो आपको कोच घोषित किया गया है। अभी तो मनीष यहाँ रहता नहीं फिलहाल, आप अभी यहाँ पे आप ही रहते हो, तो आपको ट्रेंड करना है, हैं, तैयार है? तो ये भाई थोड़ा सा बीमार चल रहा था इसलिए इसने मना कर दिया। बाकी भाई बहुत अच्छे लड़े तीनों के तीनों, चारों के चारों, लगातार तीनों। फाइनली मैच खत्म हो चुका है भाई, बहुत ही अच्छी कुश्ती हुई यहाँ पे भाइयों के बीच। अभी हमारे विनर मिट्टू जी इधर तो आओ, थोड़ा इंट्रो तो दू, क्या मतलब क्या तैयारी करते हो आप? तैयारी तो क्या, हर दिन ग्राउंड में शाम को। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, ये ग्राउंड जो है एक मतलब इस ग्राउंड की खास बात ये है कि इस ग्राउंड ने बहुत सारे लड़कों को रोज़गार दिया है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी में भर्ती हुए हैं इस ग्राउंड में तैयारी करने के बाद। तो अभी भाई भी उसी जंग में लग रखे हैं, डेली ग्राउंड आते हैं, तैयारियाँ करते हैं, आर्मी की तैयारी जरिए भाइयों की, सारे भाइयों की। और बाकी अभी हम जा रहे हैं नदी में, ग्राउंड का काम खत्म हुआ, क्रिकेट भी खेल लिया, कुश्ती भी होगी, अब भाई नज़ारा देखते हैं नदी का। मतलब हमारे यहाँ पे खड्ड बोलते हैं, तो खड्ड पे जा रहे हैं अभी, खड्ड पे जाके अभी ये नहाएंगे, वो देखते हैं। मैं तो नहीं नहाऊंगा, मुझे लगता है डर, बाकी ये देखते हैं क्या क्या, क्या रहता है वहाँ पे। भाई क्रिकेट मैच भी हो गया, कुश्ती मैच भी हो गया, अब वो क्या कहते हो स्विमिंग वाला मैच क्या जंप रेसलिंग, ये भी रेसलिंग ही थी वैसे, पर वो पानी वाली रेसलिंग अलग होगी। तो चलें, चले गाइस। ये रही वो नदी, अभी पानी ऊपर, अभी तो पानी कम हो गया, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो पानी आया था, अभी थोड़ा सा कम हो गया, पहले पानी इस तरफ तक आ रहा था, तो अभी देखो यहाँ मतलब इस तरफ से यहाँ इतना पहुँच गया। पर ऊपर मौसम अभी भी ख़राब है, तो बारिश होगी रात को, तो पानी मतलब पूरा ऊपर ऊपर तक जाता है काफ़ी। पुल के ऊपर आ चुके हैं अभी हम, बाकी दो लड़के नीचे नहा रहे हैं, ये एक डीजू है और उस तरफ है खट्टू तो नीचे पहुंच गया भाई, बाकी भाई ये देखो डूब गया लड़का, पता नहीं चल रहा कहाँ चला गया। और बाकी भाई पानी सच्ची है बड़ा खतरनाक लग रहा है, चक्कर भी आ रहा है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले बारिश जब हो रही, तो पानी वहाँ तक था ऊपर तक, और अभी थोड़ा सा कम हो गया, बारिश हट चुकी है। जब मैं और शमू आए थे, जब ऊपर खड़े थे, मैं कह रहा बारिश शुरू हो चुकी है, तब पानी पूरा ऊपर तक था भाई। भाई साहब क्या नज़ारा है, अभी खेलने के बाद नहाने के बाद लड़के ये छोटा सा पुल है, उस पुल के ऊपर बैठे हुए हैं, और मौसम साफ हो चुका है, तो खतरा कोई भी नहीं है। मतलब मौसम को देख के ही, मतलब बारिश नहीं हो तभी यहाँ पे बैठे, अदरवाइज पुल पे बैठते नहीं, कि पुल ढह भी सकता है, कि पुल के बराबर पानी आता है। लेकिन अभी का जो नज़ारा है बहुत ही शानदार लग रहा है भाई, अपना क्रिकेट का बैट लेके अपनी गपशप चल रही है भाई लड़कों की। मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ क्या गपशप चल रही है इनकी। अब बारी है घर जाने की, ये छोटी सी मेमोरी को हमने ब्लॉग में कैद कर लिया है, अब घर जाके एडिट करेंगे, देखेंगे। बाकी भाई कैसा लगा, ठीक रहा? बहुत अच्छा लगा। आप बताओ भाई, ठीक रहा? बहुत बढ़िया लगा। जोर जोर से बोलो यार, तुम तो जैसे सो रखे हो, इतना अच्छा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, खेलते हो, नहाते हो। इनका तो डेली ठीक ही रहता है, आप बताओ। पर ये बड़ा ठंडा ठंडा बोल रहे हैं ना, कैमरा जोर से फेस नहीं कर पा रहे हैं ना, कैमरा फेस करो यार, खतरनाक लड़के हो तुम। बाकी मुनीष भाई का तो भाई ठीक रहा, वो तो ठीक ही रहता है। बीमार नहीं हो आप? बीमार, अब क्या करें, ठीक हो गए? अपने गाँव में आके सब सच्ची में बहुत मज़ा आया भाई। अभी हम घर जा रहे हैं, पेट पूजा करते हैं, सुबह निकलना भी है भाई। अब मनीष भाई का पता नहीं है कल का साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पर मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पहले घर चलते हैं। धर्मशाला क्या, धर्मशाला फिर कभी यार, अभी तो थोड़ा सा काम है मुझे तो चंबा चलते हैं, अभी नहीं जा पाऊँगा। मनीष भाई फिर कभी चलेंगे साथ यार।